another crazy location. Let's go. ओके गाइस, ये बीच तो बड़ा सही है। यहाँ से कुछ 17 मिनट का रास्ता है। मैं अभी बस फ्रेंच कॉलोनी में घूम रहा हूँ। चेक आउट दिस व्यू। Hey guys, I hope you all are doing good. I know बहुत ज़्यादा time हो गया है, मैंने कोई video upload नहीं किया था मेरे YouTube channel पे. Last video was Old Town and then I guess मैं बहुत time के लिए गायब हो गया था. Anyway, this is the first time I'm actually making a vlog. Video के title में देखा ही रहेगा कि ये video किस बारे में. So yeah, I'm going to Pondicherry for 5 to 6 days. और ये ट्रिप कम्प्लीटली अनप्लान्ड है. मुझे नहीं पता कि हम लोग वहाँ जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. सिर्फ एक ही चीज़ प्लान्ड है और वो है कि हम लोगों ने सिर्फ होटल बुक किया है, बाकी कुछ प्लान्ड नहीं है. आफ्टर ऑल अनप्लान्ड ट्रिप्स आर ऑलवेज सक्सेसफुल, यू नो. एनीवेज, जो भी करेंगे बहुत मज़ा आने वाला है. मेरे यहाँ पे 4 बज गए हैं. आई हैव टू कैच माई ट्रेन एट 7 और हम कल शाम तक पौंडीचेरी पहुंच जाएंगे. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू पौंडीचेरी. लाइक आई रिमेंबर मैंने लाइफ ऑफ पाई देखा था, वहाँ पे पौंडीचेरी का रेफरेंस था अबाउट द फ्रेंच कॉलोनी इन पौंडीचेरी, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. सो I hope you like this video and you enjoy it. This is something really new for me and something which I'm doing out of my comfort zone. So jaise bhi rahega, please bear with me and mere bakwas sunte rehna and ye video pura dekhna. And that's it for now. Let's go. Kya hai wo jo apna mujhko bhi sikha de. ओके, तो सब पैक हो गया है. मैंने मेरा लैपटॉप रख दिया है, ईयरफोन्स रख दिए, वॉलेट रख दिया, पैसे ले लिए, चार्जर ले लिया, कपड़े पैक है. हाँ, आधे घंटे में निकलेंगे. ऐसी बातों में हम बिगड़ जाएंगे, दौड़े यहाँ से तो फिसल जाएंगे. सच है तू हसीना जिसका दिल हंसा, जिसको मैंने छीना छिलका छोड़ दिया. कि मेरी नदानी कि मैं ना सुन सका, सोचा मैं था काफी लग गई है. गुड मॉर्निंग, कैसे है सब, क्या हाल है. तो सुबह हो गई है, अभी मैं ब्रश करूँगा फिर ब्रेकफास्ट करूँगा. अभी तक की जर्नी सही रही है, नींद अच्छी हुई. मैंने जो भी है मतलब धीरे 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 आएंगे, रुक मत जानम हम भी तेरे साथ वालेंगे. कभी कभी जानम हम भी तेरे ख्वाब में शामिल थे. कभी मत उठना कभी मत रोना, जब मैं चाहूं दुनिया से जाऊं, दुनिया से जाऊं, दुनिया से जाऊंगा, दुनिया से जाऊं. कुछ शेयर करना चाहूँगा अबाउट इंडियन रेलवेज. ट्रेन ट्रैवलिंग के साथ बहुत एक स्पेशल कनेक्शन है. मैं कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया. थ्रू आउट माई चाइल्डहुड आई हैव ऑलमोस्ट ट्रैवल्ड एवरी प्लेस, समोसा वड़ा मसाला वड़ा समोसे, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन इंडिया.
यू नो द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट ट्रेन जर्नी इज हम लोग नए लोगों से मिलते हैं. सो इट्स प्रीटी नाइस. इट्स सो लाइवली टू बी ऑनेस्ट. वो एक स्पेशल बॉन्डिंग बन जाता है. हम लोग को एग्जैक्टली पता भी नहीं रहता कि हम लोग वापस कभी मिलेंगे या नहीं. बट फॉर दैट मोमेंट ऑफ few hours and few days of traveling in train, it's like a small family moment, you know. We enjoy hanging out and talking to strangers. That's the best thing about traveling in train. Okay, bye. गुड मॉर्निंग है गाइज, कैसे हो सब. सो मैं अभी पॉन्डिचेरी पहुंच गया हूँ. नाउ आई एम इन माई होटल रूम. अभी हम लोग जा रहे हैं पैराडाइज बीच, जो यहाँ से मेरे रूम से बस एक किलोमीटर की दूरी पे. बहुत मजा आने वाला है. लेट्स गो. यू वर द वन दैट आई फाउंड सोलवंदा सोलिटे पो. By the way, check this colony, it's pretty nice. And I really like walking on streets like this. मतलब ओह, मुझे कुछ बच्चे दिखे. चेक दिस आउट. हेलो. In clouds. What is your name? Metra Miller. Metra Miller. What is your name? My name is Jason. Purali. Hello, I'm Sunit. Let me go passing by. Okay, bye. Let me go come back in time. Let me be who I am. Oh, through this time. Let me go passing by. Let me go come back in time. अभी मैं मेन बीच पे आ गया हूँ. आई रियली लाइक द बिल्डिंग. बहुत ही विंटेज टाइप का वाइब है. अभी मैंने वो शॉप से आइसक्रीम लिया, बहुत अच्छा था. लेट्स गो, देखते क्या आया. वॉकिंग डाउन द वे दैट आई फाउंड इन द उलगम नॉट सुत्त विंडम फेसेस विद स्माइल्स ऑल अराउंड इन द वाहनम नॉट पार्क विंडम. कुछ 17 मिनट का रास्ता है. देखते क्या है क्या नहीं. Walking down the way that I found in the ulagam nan sutta vendum faces with smiles all around in the vanam nan pakka vendum. I just got a company from that doggy. I'll run free into the sea world and me don't even know what I will find. Let me go passing by. Let me go come back in time. Let me be who I am. Oh, through this time. Let me go passing by. Let me go come back in time. Walk in the dark. Barefoot in the night. बहुत सही जगह है, बहुत अच्छी जगह है. A great start to the morning, you know. सुबह उठना बिल्कुल worth था, you know. I really like walking on beach barefoot. You know, beach is like मेरा सबसे favorite spot है जाने के लिए. अगर कोई भी बीच का प्लान बनता है ना, सो आई एम ऑलवेज रेडी. लॉट ऑफ फ्रेंड्स नो हाउ मच आई लव जस्ट बीचेस. Check out this view.
हेलो एवरीवन, कैसे हो, क्या हाल है। मैं सुबह सुबह सनराइज देखने के लिए बीच पे गया था। आज बहुत सारे पंगे हो गए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर हो रहा है मेरे साथ। एनीवेज, ईडन बीच वॉज ब्यूटीफुल, लाइक बहुत ही क्लीन था, बहुत मज़ा आया। सनराइज देखा हमने, कुछ शॉट्स भी लिए, फ़ोटोज़ लिए, मैं सब शेयर करूँगा। अभी तक जो जो भी वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। आज कुछ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। अभी हम लोग हैं ऑरो विले पे। मेरे होटल रूम से कुछ आधे घंटे का रास्ता था, हम लोग वहाँ से आए। अभी चलो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। राइट नाउ हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एग्जीबिशन इज जस्ट यहाँ पे है। आई मीन कैन यू गाइज बिलीव, मतलब ये पूरा एरिया एक बंजर जमीन था और उसको इतने अच्छे से डेवलप किया इन लोगों ने कि इट्स कवर्ड विद लश ग्रीन फॉरेस्ट। एक ट्री है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस है और वो ब्रांचेस के रूट्स बने हुए हैं। अभी हम लोग हैं सेरेनिटी बीच पे, छोटा सा बीच है पर बहुत सही है। यू गाइस शुड चेक दिस आउट। जरा दुगल तोरुम निंती ओर माया तरा दिपो चारुवा मुम्मा गला। यो, तो मैं अभी बस फ्रेंच कॉलोनी में घूम रहा हूँ। प्रीटी नाइस प्लेस, यहाँ पे मोस्टली ग्रे एंड येलो बिल्डिंग्स है। आई लिव इन मुंबई, सो सीएसटी एंड ऑल मैं हैव सीन ब्रिटिश कॉलोनीज एंड एवरीथिंग। फ्रेंच कॉलोनी समथिंग, इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी।
चले जो सबसे दूर, क्यों इतनी दूर अकेले चले हुजूर, क्या मिला तुम्हें, चले जो सबसे दूर। एंड रेडी, हम लोग बोट से ट्रैवल करके यहाँ पे आए, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। दिखने में तो बहुत सही लग रहा है, बहुत ही ओपन स्पेस है यहाँ पे। एंड गाइज, मुझे ये जगह बहुत सही लगा। एंड बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है तो मुझे यहाँ अंदर रहने अच्छा लग रहा है एक्चुअली। सो या इट्स अ नाइस प्लेस टू चिल। ये पूरा बाम्बू से बनाया है इन लोगों ने द होल थिंग। ओके गाइस, ये बीच तो बड़ा सही है, बहुत ही ट्रॉपिकल वाइब है यहाँ पे। गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है इन साउथ, एंड इनफैक्ट मैंने जितने भी बीचेस देखे हैं इन साउथ, बेसिकली हर एक बीच, हर एक जगह बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है एंड बहुत ज़्यादा क्लीन है। ओके, हियर पीपल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, ओके, और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज दे नो कि बाहर के लोग आते हैं, उनका एक इम्प्रेशन रहता है। आई थिंक मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इन अदर प्लेसेस लाइक मुंबई, बिकॉज मुंबई इज़ अ रियली गुड प्लेस, हर चीज़ अच्छी है मुंबई में। बस when it comes to beach, honestly I am a Mumbaikar, but still I am saying this, honestly when it comes to beach wo itna maintain nahi rehta. Okay, so kya ruke huzoor, ye duniya hai itni cool, chal chale kahin akele sabse door, kyun ruke huzoor, हेलो अगेन, कैसे हो सब, क्या हाल है। बीच से लौटने के बाद मैं वापस रूम में आ गया एंड मैंने बहुत अच्छा नैप लिया 2 घंटे का, एंड अभी शाम हुई है एंड मैं बालकनी में बैठा हूँ। इट्स प्रीटी नाइस, यू नो, कोई भी ट्रिप में एटलीस्ट एक दिन रूम में रेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, फिर नेक्स्ट डे हम फिर से पूरे एनर्जी के साथ एक्सप्लोर कर पाएंगे। बाय द वे, एक और सरप्राइज है जो मैं अभी नहीं बोलूँगा, और वो कुछ बड़ा सरप्राइज है। ये भी प्लान नहीं था, ऐसे ही बनते बनते प्लान बन गया है, पर जब होगा बहुत मजा आने वाला है। Stay tuned.
कोई सहारा। सफर सांस जाएगी जब मैं सफल All right, so the best thing which happened in this whole trip, basically, मैं पता नहीं words में कैसे explain करूँ, but being underwater, anyways, इसी तरह मैं अपना vlog end करना चाहूँगा यहाँ पे, and जो लोग भी last तक ये पूरा video देखे, thanks a lot. Guys, I'm really happy right now because finally trip khatam ho raha hai and I feel good. Ye trip totally unplanned tha aur phir bhi bahut hi successful tha and bahut kuch explore kiya, bahut kuch jana. Yeah, that's it for now. और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करो ना करो इट्स ओके, बट लोगों के साथ शेयर करो ओके, और कमेंट में नीचे बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसे लगा, क्या लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, बाय. दिलों में तुम अपने पिता भी लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम,